नमस्कार दोस्तों, मार्केट टाइम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। बीते चार दिनों के बाद आज मंडी खुली है। लहसुन मंडी में आज हर दिन की अपेक्षा आवक कम देखी जा रही है। वहीं नीलामी का दौर चालू हो चुका है। चार दिनों के अवकाश के बाद जिस तरह की रौनक की उम्मीद थी, अपेक्षाकृत तो वैसा माल और वैसी आवक आज देखने को नहीं मिली। हालांकि जो दाम है, दामों में दोनों ही लूज, जो लहसुन ऊटी किस्म की है और देसी है, दोनों में ही अच्छी मतलब तेज़ी देखी जा रही है। ऊटी तकरीबन 4 से 5 रुपए की तेज़ी है, तो वहीं जो देसी है, देसी में भी करीब 3 से 4 रुपए की जो तेज़ी देखी जा रही है। अब आज एक ख़ास बात ये देखने की कि यहाँ पर हिमाचल की लहसुन आई है, और जो हिमाचल की लहसुन है आज 22,400 रुपये गई है। अभी कुछ देर पहले ही नीलामी समाप्त हुई है। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह की लहसुन है, क्योंकि किसान यहाँ है नहीं। हाँ भैया, दिखाना यार, ये अच्छा काम कर रहा है भैया, ये दिखा देंगे। ये इस तरह की ये लहसुन है, ये ऊटी ही वैरायटी मान सकते हैं इसको। ये हिमाचल से आई है, आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह की मतलब नीमच कृषि उपज मंडी है, जहाँ मतलब अब देश के दूसरे कोनों से भी लहसुन यहाँ बिकने आई है। और निश्चित तौर से जो दाम यहाँ मिले होंगे उन किसानों को जिन्होंने ये लहसुन मंगाई है, अपेक्षाकृत अच्छे ही रहे होंगे और उनकी उम्मीद पर खरे उतरे होंगे, तभी इतनी दूर से, सैकड़ों किलोमीटर दूर से अब यहाँ ये उपज आई है। फिलहाल जो दामों की बात करें तो जो ऊटी किस्म की लहसुन है वो 22,000 से लेकर 8,000 तक बिक रही है। वहीं देसी लहसुन की बात करें तो देसी तकरीबन 16-17 हज़ार से लेकर नीचे की बात करें तो 7,000 तक कलियों तक जा रही हैं। मार्केट टाइम्स टीवी एक प्रोग्राम जल्द ही शुरू करने जा रहा है, जिसमें जो नेटवर्क नेट मार्केटिंग के जरिए फ्रॉड की जानकारी आती है, तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के कुछ जानकार इस एक कार्यक्रम संबोधित करेंगे, जिसमें फ्रॉड से बचने के तरीके बताए जाएंगे। और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के साथ मार्केट टाइम्स टीवी भी इस मुहिम में शामिल रहेगा, जो आने वाले दिनों में हम आपको दिखाएंगे गांव कस्बों, जिसमें व्यापारी, किसान व अलग अलग वर्ग के लोगों से चर्चा करके उनके साथ मीटिंग करेंगे और उन्हें किस तरह से ये जो फ्रॉड होते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह से करना है, क्या बेहतर रहेगा उनके लिए, इन तमाम बातों की जानकारी भी मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। कुछ किसान भाई हैं जिनके उपज की नीलामी हो चुकी है, उन्हीं से जानेंगे कि आज उनकी दूसरी लहसुन किस तरह की गई है। गुना से आए हैं किसान, तकरीबन ये मान लीजिए 350-400 किलोमीटर दूर से किसान आया है। भैया कहाँ से आए हैं, आप पूरा बताइए कहाँ से आए, क्या लेके आए? केकड़िया कला, एक मिनट, तहसील कुमराज, अच्छा, जिला गुना से। गुना से आए हैं, क्या क्या सोच के आए, क्या दाम मिले आपको? अच्छा दाम मिले हमें, क्या भाव गई, कौन सी वैरायटी की हमारी? ये 16,000 एक गई, 15,000 एक, और एक 17,000 से 600। दिखाएंगे मुझे कैसी गई? हाँ, ये उठा के दिखा दो आप। हाँ, ये 15,000 एक गई, 15,000 एक गई, ये देख लीजिए, ये इस तरह का 15,000 एक गई है, और दूसरी कौन सी थी? 17,600 गई, ये भी देखना चाहेंगे, ये 17,600 रुपये, ये देखिए, ये 17,600 रुपये गई है। कुल मिला के जो दाम मिल रहा है कैसे लग रहा है आपको? अच्छा मिल रहा है। क्या उम्मीद थी आपको, कितने दाम मिलने की संभावना लग रही है? था कि पहले ये दिया था 20,000 रुपये में, अभी कौन सी वैरायटी है? S2। क्या अभी और माल पड़ा है आपके पास? हाँ हाँ है ना। आप गुना से इतना दूर आए, क्या मतलब, क्या कैसे आ रहे हैं, मतलब क्या भाव के चक्कर में आए थे? चक्कर में हमारे यहाँ उधर थोड़ा हमारा कम लगता है। अच्छा, छीपा बड़ो जाते थे वो, उससे दाम अच्छा मिल रहा है। उधर 13,600 बिका था, इधर 16,600 अभी और स्टॉक पड़ा है। हाँ, अच्छा है ना। अब क्या सोच रहे हो, आगे माल इधर ही लाना है कि माल इधर ही आएगा, यहीं पर लाएंगे, हर गाड़ी इधर ही आएगी। तो जैसा कि किसान भाइयों ने बताया कि जो ये आम तौर पे छीपा बड़ौद की जो मंडी है राजस्थान में 12 जिले में, वहाँ बेचते थे, लेकिन इस बार ये गुना से यहाँ आए हैं, और निश्चित तौर से खुश भी है कि इनको जो उम्मीद थी उससे बेहतर दाम मिले हैं। और इनका कहना है कि आने वाले समय में भी अपनी उपज को वो नीमच मंडी में लाएंगे, क्योंकि जिस तरह का दाम मिला है इनको,
वो काफ़ी अच्छा लगा है। वीडियो भी देखते हैं साहब तुम्हारी, तो जिस तरह आज मंडी खुली है और दामों में उछाल देखा जा रहा है, निश्चित तौर से आने वाला समय लहसुन के लिए अच्छा साबित होने वाला है। जैसा कि जानकार बता रहे हैं कि आगे आगे जो आने वाला समय है इसमें एक्सपोर्ट शुरू होगा और एक्सपोर्ट शुरू होने के बाद और भी उछाल देखा जा सकता है। विजित महाडिक, मार्केट टाइम्स टीवी, नीमच।